भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है उनमें इनको
अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है। विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको बढ़ाने का भी वायदा भाजपा ने किया है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रीजन रहा है। साथियों, भाजपा जम्मू के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 10 सालों में जम्मू को आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिले हैं। कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में भी नई सड़कें बनवाई जा रही है।
चत्तरगला टनल बनने से कठुआ और डोडा की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कांग्रेस बॉर्डर के गांवों को आखिरी गांव मानती थी, भाजपा ने इनको पहला गांव बनाया है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा से सटे गांवों का विकास किया जा रहा है। यहां जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां जाम की समस्या तो कम होगी ही, आसपास की तहसीलों के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। साथियों, आज जम्मू की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बाह किले से महामाया मंदिर तक रोपवे को भी शुरू किया है। जम्मू रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों को विकसित किया जा रहा है। गराना वेटलैंड्स, सुरिनसर झील और बीएसएफ चुंगी पोस्ट में हो रहा काम आपके सामने है। यहां जब तभी रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा, जब तभी के किनारे आरती होगी, तो सबके लिए कितना मनोरम दृश्य होगा।